नौगछिया प्रशासनिक महकमे में मची खलबली। अचानक पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। देखें पूरी रिपोर्ट कुमार स्मृति के साथ। नौगछिया पुलिस जिले के विगत कुछ दिनों से बढ़ रहे अपराध को मद्देनजर रखते हुए बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे अचानक ही आज सुबह नौगछिया पहुंचे। नौगछिया पुलिस जिले के पुलिस कर्मियों में जिससे हड़कंप मच गया, वहीं डीजीपी नौगछिया से सीधे पहले रंगरा थाना पहुंचे और अपराध की समीक्षा की। वहीं रंगरा थाना में रंगरा थाना अध्यक्ष नदारद थे, जिस पर वो काफ़ी गर्म हुए। वहीं रंगरा थाना के थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शाह को डीजीपी ने औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित एवं कार्यों की लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। साथ ही थाना के सभी पुलिस कर्मियों को भी बदलने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह कैपिटल एक्सप्रेस से नौगछिया आए डीजीपी और नौगछिया स्टेशन से पैदल ही बाजार होते हुए गौशाला रोड तक पहुंचे। वहां फिर बाइक सवार को रोककर नौगछिया थाने तक पहुंचे डीजीपी और उनके साथ में सिविल के एक पदाधिकारी भी थे मौजूद, जो कहीं के डीआईजी होने की जताई जा रही है संभावना। और वहीं से रंगरा ओपी पहुंचे डीजीपी। डीजीपी के इस सर्जिकल स्ट्राइक की माफी औचक निरीक्षण। नौगछिया पुलिस जिला में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। नौगछिया जिला में औचक निरीक्षण किया गया है कुछ थानों का, उसमें नौगछिया का जो आदर्श थाना है, टाउन थाना उसका, और रंगड़ा ओपी का, तो उसमें उन्होंने जो भी अभिलेख हैं उनकी समीक्षा भी की है, उनका अवलोकन किया है, और उनके द्वारा जो लूट और डकैती के जो केस हैं या बाकी जो सेंसेशनल केस हैं जो गंभीर धाराओं में हुए हैं, उसके संदर्भ में भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। और कैसे हम लोगों को जो रोड पे जो जैसे लूट हो रहा है या डकैती हो रहा है, मेनली जो कैश लूट की जो घटनाएं हैं उन पे कैसे हम लोगों को कंट्रोल करना है, उस संदर्भ में भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए। क्या सब कुछ भी हुआ भी हम कार्रवाई या उस तरह का कोई, उसके बारे में अभी हम टिप्पणी नहीं कर सकते, वो तो सर अपने हिसाब से निकालेंगे बाद में जो भी आदेश उन्होंने करना होगा। कुछ हम लोगों को बोला गया है रंगड़ा थाना का जो स्टाफ है उसको सबको चेंज करने के लिए, पूरा रंगड़ा थाना को, तो वो हम अभी कर देंगे। और बाकी जो डीआईजी भागलपुर सर भी आए हुए थे, उनको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं उन्होंने, मतलब कांडों की समीक्षा करने के संदर्भ में, और जो पुराने लंबित कांड हैं उनकी जो संख्या है वो घटे उसके संदर्भ में उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो हम लोग उनको फॉलो करेंगे। रंगड़ा थाना अध्यक्ष पे कोई कार्रवाई नहीं, उनका स्टेशन डायरी वगैरह अद्यतन था, लेकिन चूँकि घटनाएं काफ़ी उनके यहाँ पे घटी हैं और मतलब पदाधिकारियों के जो है उसमें मतलब गंभीर है कि वो लोगों ने उसमें कंट्रोल नहीं पाया है, तो उसी के संदर्भ में उन लोगों को पूरे थाना को बदलने का आदेश हुआ। नौगछिया में जो औचक निरीक्षण उसमें क्या पाया गया मैम? नौगछिया में जो हुआ है उसमें जो थाना प्रभारी है नौगछिया के, वो सीआईडी में गए हुए थे, डीजी सीआईडी साहब के यहाँ पे केस का रिव्यू है उसी में गए हुए थे, तो थाना प्रभारी नहीं थे और बाकी जो स्टाफ था, तो उस संदर्भ में भी उन्होंने जो भी है उनकी टिप्पणी दी है, सब जो जीएसआई हैं वो भी आए हुए थे, उनको भी उस संदर्भ में उन्होंने दिशा निर्देश दिए। महिला थाना वो एक ही कैंपस में है, महिला थाना एससीएसटी थाना नौगछिया टाउन थाना, वो सब एक ही कैंपस में है, तो उसी संदर्भ में उन्होंने दिए हैं दिशा निर्देश। सर जो कहते वहाँ पे कोई नहीं पाया गया, कोई स्टाफ नहीं, कोई ताला लगा हुआ था थाना, वो अभी हमको देखना होगा क्योंकि महिला थाना प्रभारी छुट्टी पे है और एससीएसटी थाना प्रभारी के घर में कोई कैजुअलिटी हुआ तो वो भी छुट्टी में निकले हैं, उसको हमको देखना होगा। और कुछ कोई दिशा निर्देश नहीं क्राइम को लेकर ही दिशा निर्देश है कि जो पुराने केसेस हैं हम उनकी समीक्षा करें और कुछ टीम्स बनाएं सर्कल इंस्पेक्टर के मतलब उसमें कंट्रोल में, ताकि हर रोज़ हम लोगों की रेड हो हर थाना क्षेत्र में, जैसे जो अपराधी या तो वांछित हैं या फिर जिनकी गतिविधि संदिग्ध है उनके संदर्भ में रेड करने का आदेश हुआ है, तो हम लोग उसका अनुपालन करें।
सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।